Hi friends, my name is Shekhar Barola और मेरा नंबर है 9899123008 और अब हम पढ़ेंगे गवर्नेंस का चैप्टर। तो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट पढ़ रहे थे और गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले प्रॉब्लम ये क्वेश्चन ये पैदा होता है कि गवर्नेंस का चैप्टर क्यों आया, बेसिकली आईटी गवर्नेंस की वजह से। लेकिन गवर्नेंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या क्या रीज़न है कि गवर्नेंस इतना इम्पोर्टेंट हो गया? तो सबसे पहले तो ये रीज़न है कि पहले आईटी एक इनेबलर था, बिजनेस इनेबलर, यानी हेल्प करता था, एक बैसाखी था जो आपको चलने में हेल्प करता था आईटी। लेकिन अब वो आपकी बॉडी का पार्ट हो गया है, अब आपके स्ट्रेटेजिक विजन का पार्ट हो गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक वर्ड होता है स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट। स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब ये होता है कि वो पॉइंट जहाँ के बाद बिजनेस प्रॉफिटेबल से लॉस हो सकता है या लॉस से प्रॉफिटेबल हो सकता है। इतना ही नहीं, बिजनेस के फंडामेंटल्स चेंज हो जाते हैं। कोई बिजनेस प्रॉफिटेबल से लॉस हो गया, लॉस से प्रॉफिटेबल हो गया, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर बिजनेस के फंडामेंटल्स चेंज हो जा रहे हैं। इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ एंड, या बहुत ऊपर बिजनेस बढ़ने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि या तो ये खत्म, उस बिजनेस के समाप्ति की शुरुआत है। जैसे फॉर एग्जांपल कोडेक के साथ हुआ, कोडेक आपका फुट कैमरास बनाता था और जो ये कैमरास बनते थे वो केमिकल, उसमें केमिकल्स का यूज़ किया जाता था, केमिकल्स, फ़ोटो रील्स होती थी, आप रील्स से केमिकल कैमरा से फ़ोटो खींचा करते थे। लेकिन कुछ समय बाद सिचुएशन चेंज हुई, कोडेक में डिजिटल कैमरा, जो कोडेक थी उसने डिजिटल कैमरे का इजाद किया। लेकिन जब डिजिटल कैमरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने आया, उनको समझ में नहीं आया कि कुछ समय के बाद अगर हम एक बिज़नेस इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा, एक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा, उस पॉइंट के बाद हमें बिज़नेस को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव है कि बेटर से बेटर कैमरा बनाना और केमिकल रील्स बनाना। जो रील्स होती हैं वो केमिकल बेस्ड होती हैं, लेकिन बिज़नेस ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो रहा है। बिज़नेस ऑब्जेक्टिव डिजिटल कैमरा की तरफ जा रहा है। नॉर्मल, जो नॉर्मल कैमरा होते, पुराने टाइप के कैमरा आते, उससे अब जो डिजिटल कैमरे की तरफ हम बढ़ रहे थे। तो जब वो डिजिटल कैमरे की तरफ हम बढ़ने लगे, कोडेक को ध्यान नहीं रहा, कोडेक का मैनेजमेंट के साथ, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट गैप आ गया, वहाँ पर एक मेजरमेंट प्रॉब्लम आ गई। इन शब्दों का ध्यान दीजिए, वहाँ एक मेजरमेंट प्रॉब्लम आ गई, स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट गैप आ गया, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट गैप आ गया, या मेजरमेंट प्रॉब्लम थी वहाँ पर। तो कोडेक ख़त्म हो गई, कोडेक ने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया। कोडेक एक बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत सालों से चल रही थी और कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोडेक समाप्त हो जाएगी। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि पहले एक कंपनी होती थी, बहुत बड़ी कंपनी होती थी, जैसे टाटा स्टील जैसी कंपनी है, एक जगह पर वो पैदा होती थी, दसियों साल तक वो प्रोडक्ट देती थी। और फिर उसके बाद क्या होता था कि उसके पूरे मैनेजमेंट में उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए एक एक्सपर्टीज़ आ जाती थी, और फिर उस कंपनी के चारों तरफ छोटी छोटी एंसिलरी यूनिट्स पैदा हो जाती थी। और फिर मार्केट में जो लोग थे, लोगों को पता होता था कि मार्केट में क्या होने वाला है। लेकिन सिचुएशन चेंज हुई, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी और कंप्यूटर के एरिया में तो 5 साल में एक जनरेशन चेंज होने लगी, प्रोडक्ट ही चेंज होने लगा। जो प्रोडक्ट कल डिमांड होता था उसकी डिमांड ही खत्म हो गई, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आने स्टार्ट हो गए। स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कई टाइप के होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, जैसे बर्लिन वॉल गिर गई, वो एक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था। यूरोप पूरा चेंज हो गया, जब बर्लिन, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन दोनों अलग देश थे, कम्युनिस्ट, एक तरफ कम्युनिस्ट था, एक तरफ डेमोक्रेसी थी। गर्बाचोव आया, सोवियत यूनियन ने अपनी पॉलिसी चेंज हुई और ईस्ट जर्मन और वेस्ट जर्मन यूनाइट हो गए और चारों तरफ यूरोप में डेमोक्रेसी आ गई। आज एक यूरोप एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट की तरह काम कर रहा है। वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था जहाँ से यूरोप एक साथ बढ़ा आगे। इसी तरीके से पॉलिटिकल इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स होते हैं, उसी तरीके से कंपनी की लाइफ में भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आते हैं और ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स अब बढ़ते चले जा रहे हैं।
तो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की डेट में ये बोला जाता है कि जो यूएस वगैरह में जो सिलिकॉन सिटी वगैरह में लोग हैं वो ये बोलते हैं कि आपकी कंपनी को राइट टाइम राइट प्लेस में होना चाहिए, क्योंकि राइट टाइम और राइट प्लेस में वो बिलियन डॉलर कंपनी बनने के लिए तैयार होती है जो पुराने प्रोडक्ट्स को ऑब्सोलीट करेगी और नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आएगी। तो वो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हमें ध्यान देना है। यानी कि जो स्ट्रेटेजिक लेवल है हमारा मैनेजमेंट, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है स्ट्रेटेजी बनाना। पहले क्या होता था, लड़ाई हजारों साल से सेम होती थी, मतलब ये सारी स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल टैक्टिकल ये कहाँ से आया, ये आर्मी से आया। अब हम इसको आर्मी के टर्म्स में ही समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्या होता था, लड़ाई सेम होती थी, वही घोड़े होते थे, वही आपके तलवारें होती थी, वही भाले होते थे, हजारों साल आज तक यही चलता रहा। लेकिन अचानक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया, बंदूक की गोली आ गई, तोप के गोले आ गए। उसके बाद फिर स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया, आपके पास टैंक्स आ गए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, फिर उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर आया, और अब क्या है, वॉर के एरिया में स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स चेंज होते रहते हैं। कल की डेट में अमेरिका ने वियतनाम वॉर हारा, उसके न जाने कितने सोल्जर्स मारे गए, लेकिन जो दूसरा वॉर हुआ उसने गल्फ वॉर किया, और तब तक टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई थी, वो लड़ाई केवल हवाई लड़ाई हुई, और हवाई लड़ाई से ही उसने इराक को जीत लिया। सेकंड लड़ाई में उसने अपने सैनिकों को नीचे उतारा, लेकिन उसमें 5,000 इराकी अमेरिकन सैनिक मारे गए। अब नया इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वॉर की फाइट में, और वो है रोबोट्स को उतारना। तो यही चीज़ कंपनी के साथ भी होती जा रही है, कंपनीज़ में इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो हमारे एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के बारे में पूछा जा सकता है कि क्या है, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स को मेमोरी में कमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स का मतलब ये है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स जहाँ के बाद बिजनेस का फंडामेंटल चेंज होता है, इकोनॉमी का फंडामेंटल चेंज होता है, जहाँ पर एक पर्टिकुलर सेक्टर का फंडामेंटल चेंज होता है, जहाँ से बिजनेस बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा या बिजनेस बड़ी तेज़ी से समाप्त होगा, उसकी समाप्ति की शुरुआत या ऊपर बिजनेस के चलने की शुरुआत, ये स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गए। अब क्या होता है कि पहले क्या होता था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मान लिया सपोज़ आपका स्टील इंडस्ट्री है, तो उसमें टॉप एग्जीक्यूटिव आता था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आता था, तो वहाँ पर जो बंदा आता था वो कई सालों से उस इंडस्ट्री में होता था, मार्केट भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता था, उसके रिलेशनशिप होते थे मार्केट में, उसे वो मार्केट को जानता था। लेकिन आज सिचुएशन अलग हो गई है, आज ये हो गया है कि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है, जो टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव हैं वो मार्केट के बारे में नहीं जानते, क्योंकि मार्केट बिल्कुल एकदम नया है। जैसे फेसबुक नया आया, उसके पहले फेसबुक था ही नहीं, सोशल मीडिया था ही नहीं। अगर एक नया चीज़ आती है, जैसे डिजिटल कैमरा नया था, पहले क्या होता था नॉर्मल रील वाले कैमरे यूज़ किए जाते थे, डिजिटल कैमरे का मार्केट बिल्कुल अलग है, स्मार्टफोन का मार्केट अलग है। जो टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव हैं उन मार्केट्स के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और जब तक वो एक्सपीरियंस करेंगे ये मार्केट ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव आज की डेट में एक प्रॉब्लम आ गई, जब टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ने लगी, टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव जिनकी सैलरी करोड़ों में होती थी, उनका करोड़ करोड़ दो दो करोड़ पाँच पाँच करोड़ रुपए का पैकेज होता था, वो अपने पैसे बचाने में लगे रहते थे, वो सोचते थे कि कुछ समय और बीत जाए मैं इस कंपनी से पैसे निकाल लूँगा, क्योंकि उनको उतनी उनकी उतनी विजन होना डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वो मार्केट उन्होंने देखी ही नहीं थी। और जिस समय वो बड़े हुए थे उस टाइम पर टेक्नोलॉजी उतनी तेज़ी से मूव नहीं करती थी, तो उन्हें ये समझ में नहीं आता था कि ये आभास ही नहीं हो पाता था कि टेक्नोलॉजी का रेट ऑफ चेंज क्या है और कहाँ पर टेक्नोलॉजी जाएगी और अगला पड़ाव क्या होगा। और अगर वो सोचते भी तो बहुत केसेस में गलत हो जाते, क्योंकि फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि टॉप मैनेजमेंट डिसीजंस लेने लगा, और टॉप मैनेजमेंट के डिसीजंस बहुत रॉन्ग होने लगे, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा, वो ये कहेगा कि जो मेरा ये बिज़नेस है ये ठीक है। जनरली वो अपने बिज़नेस को जस्टिफाई करता है, क्योंकि उसे जस्टिफाई करना उसे ईज़ रहता है, अनसर्टेनिटी कम रहती है, लेकिन वो कई बार नहीं देख पाता है आगे क्या बिज़नेस आने वाला है, क्योंकि वो बेसिकली क्या है, नौकरी पेशा आदमी होता है, एंटरप्रेन्योर नहीं होता है।
एंटरप्रेन्योरशिप चूंकि उसके अंदर नहीं होती है तो वो ये नहीं बता पाता है कि ये बिज़नेस आने वाला है, और चूंकि वो ये नहीं बताने वाला, फ्यूचर की फोरकास्टिंग नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, उसके डिसीजंस गलत होने स्टार्ट हो जाते हैं, और यही होना स्टार्ट हो गया मार्केट में। अब उसके मार्केट में डिसीजंस कहाँ से गलत हो रहे हैं और क्या चीज़ हो रही है, उनको कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्हें मेजर नहीं किया जा सकता था, तो मेजरमेंट प्रॉब्लम आई। कहने का मतलब यह है कि एक बोर्ड बैठा था, उसे अचानक पता चला कि उसकी कंपनी तो बैंकरप्ट हो गई। कोडक का बोर्ड था, अचानक एक दिन सुबह उसे पता चला, कुछ दिनों में उसे पता चला कि बोर्ड कोडक को बैंकरप्सी के लिए फाइल करना पड़ेगा। तो उनको समझ में नहीं आया कि कहाँ से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, क्योंकि पहले जो एसेट्स होते थे, जो सेल होते वो थे, वो टेंजिबल एसेट्स का सेल होता था। अब इनटेंजिबल्स पैदा हो गया, जैसे फेसबुक जैसी कंपनी, $100 बिलियन कंपनी, उसके एसेट्स क्या हैं, उसके एसेट्स डेटा है। तो कहने का मतलब ये है कि उस $100 बिलियन कंपनी का जो मेन चीज़ है वो डेटा है, जिसे हम मेजर ही नहीं कर सकते, और चूंकि उसे मेजर नहीं कर सकते, यहाँ पर इस चीज़ को कहते हैं मेजरमेंट प्रॉब्लम। तो मोस्ट इंडियन कंपनीज में आप देखोगे, वहाँ स्ट्रेटेजिक लेवल पर, टॉप मैनेजमेंट लेवल पर मेजरमेंट प्रॉब्लम है। वहाँ के टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट डरा हुआ है, उसके टॉप लेवल मैनेजमेंट को ये पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होना है, और वो पता हो भी नहीं सकता। लेकिन वो बोल्डली इस बात को, ये उसको ये भी रियलाइजेशन नहीं है, उसको ये टेक्निकल टर्म्स रियलाइज़ नहीं है। अधिकतर कंपनी टेक्निकल टर्म्स का रियलाइजेशन नहीं है कि मेजरमेंट प्रॉब्लम क्या है। वो ये टेक्निकल वर्ड्स अधिकतर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में यूज़ नहीं किए जाते हैं, और जहाँ पर ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में यूज़ नहीं किए जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट को अपनी इग्नोरेंस के बारे में पता नहीं है। अधिकतर छोटी मोटी कंपनी होगी, वहाँ पर आप देखोगे CFO है, CEO है, और बहुत मैनेजमेंट है, तो वो मैनेजमेंट को अपनी इग्नोरेंस के बारे में पता नहीं होगा, और वो अपनी इग्नोरेंस मान नहीं रहा होगा। जब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड में बैठेंगे तो ऐसा दिखाएंगे कि उनको सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन उनको सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं, और उसमें से बहुत से लोग अपनी सैलरी बचाने के लिए बैठे होते हैं कि कुछ दिन 6 महीने और रह लें तो अगर 2 करोड़ का पैकेज है तो 1 करोड़ रुपया आ जाएगा, और वो इतना पैसा कमा चुके होते हैं कि उन्हें अपने आप को प्रूव नहीं करना होता है, कोई पाथ ब्रेकिंग चीज़ नहीं देनी होती है। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में कम है, क्योंकि वहाँ पर लोग जो है पाथ ब्रेकिंग चीज़ों के लिए ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि उनके पास जो भी चीज़ आती है वो धीरे छन के आती है। तो वहाँ मेजरमेंट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो मेजरमेंट प्रॉब्लम के लिए बैलेंस स्कोर कार्ड आया। एक बात ध्यान रखिए, बैलेंस स्कोर कार्ड किसी नीचे के लेवल के लिए नहीं है, ऑपरेशनल और टेक्टिकल लेवल के लिए नहीं है। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ सकता है, और आपकी लाइफ में भी आपको ये पता हो सकता है, बैलेंस स्कोर कार्ड स्ट्रेटेजिक लेवल के लिए है। अगर आप अपनी कंपनी में जा रहे हैं और वहाँ पर आप देख रहे हैं बैलेंस स्कोर कार्ड नहीं है मैनेजमेंट के पास, पहले तो आपकी कंपनी है, अगर आपकी कंपनी में आपको ये देखना है कि स्ट्रेटेजिक टीम और ऑपरेशनल टीम अलग अलग है कि नहीं है। कई कंपनी होती हैं, छोटी कंपनी होती हैं, उसमें क्या होता है कि डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई कंपनी में तो दो डिपार्टमेंट भी मर्ज होते हैं। जो छोटी छोटी कंपनी होती है उसमें फाइनेंस और एडमिन एक ही काम कर रहा है, मालूम पड़ा एडमिन या सेल एक ही काम कर रहा है। लेकिन बड़ी बड़ी, थोड़ी सी बड़ी कंपनी होती है तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट का सेग्रीगेशन हो जाता है, और बड़ी कंपनी होती है तो उसमें ये हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो जाता है, और वही मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा होता है टॉप मैनेजमेंट के, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के साथ वही सारे मैनेजमेंट डिसीजन ले रहे होते हैं। और थोड़ी बड़ी कंपनी होती है तो वहाँ पर मैनेजमेंट टीम अलग होनी चाहिए, ऑपरेशन टीम अलग होनी चाहिए, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट मैनेजमेंट टीम में नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट टीम में टॉप मोस्ट मैनेजमेंट के लोग होने चाहिए, उनका काम करना, उनको ऑपरेशनली काम नहीं करना है। अगर फाइनेंस हेड है, HOD है, फाइनेंस का HOD है, तो वो फाइनेंस टीम में बैठेगा और मैनेजमेंट टीम जो डिसाइड कर रही है उसके अनुसार काम करेगा, उसके स्ट्रेटेजिक विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करेगा। और जो मैनेजमेंट का मैं जो बैठा हुआ है, CFO बैठा है या जो भी बैठा हुआ है, वो काम नहीं करेगा, वो कॉफ़ी पिएगा,
वो मीटिंग्स लेगा, कई कंपनी में छोटी कंपनी में हल्ला हो जाता है, वहाँ पर लोगों के पास इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और उनको ये पता ही नहीं होता है कि मैनेजमेंट टीम अलग होती है और जो ऑपरेशनल टीम अलग होती है। मैनेजमेंट टीम का काम होता है स्ट्रेटजी क्रिएट करना। कई कंपनीज़ में डायरेक्टर्स होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कभी कभी आते हैं और वो स्ट्रेटेजी को देखते हैं और उसको चैलेंज करते हैं कंस्ट्रक्टिवली। वो कहते हैं इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, उनके पास बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस होता है, कई कई कंपनियों में वो काम कर चुके होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, तो बोर्ड में आकर जो स्ट्रेटेजी बनी है उसको चैलेंज करते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्ट्रेटेजी देखते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उस स्ट्रेटेजी को देख रहे देखते हैं कि इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजमेंट टीम का पार्ट होते हैं और फिर वो कॉन्स्टेंटली HODs को बुलाते हैं और उनके साथ मीटिंग करते हैं और वो बोलते हैं जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको आपने कहाँ तक इम्प्लीमेंट किया, और फिर जो HODs हैं वो बताते हैं कि हमने यहाँ यहाँ तक इम्प्लीमेंट किया। लेकिन जनरली छोटी कंपनी में क्या होता है, HOD स्ट्रेटेजी बनाते हैं और फिर उसके बाद वो भूल जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना कई बार उनके लिए इजी नहीं होता और कई जगह पर वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, मतलब वो चाहते ही नहीं है, एडमिन वाला है एडमिन के पैसे खा रहा होगा, IT वाला होगा वहाँ पैसे बना रहा होगा, फाइनेंस वाला होगा वो अपनी जगह पैसे बना रहा होगा, कंसल्टेंट से पैसे ले रहा होगा, HR वाला होगा उसके HR के कंसल्टेंट के साथ सेटिंग होगी। लेकिन जब कंपनी थोड़ा और बड़ी होती है तो मैनेजमेंट टीम क्रिएट होना स्टार्ट होती है और ये लोग मैनेजमेंट टीम क्रिएट नहीं होने देते हैं। मैनेजमेंट टीम क्यों नहीं क्रिएट होने देते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट टीम क्रिएट होगी तो एक स्ट्रेटेजिक लेवल की लीडरशिप आ जाएगी और वो स्ट्रेटेजिक लेवल की लीडरशिप आ जाएगी तो इनका खाना पीना बंद हो जाएगा, तो ये डिले करते हैं। जितनी देर तक कंपनी में मैनेजमेंट टीम ना बन पाए उतना इनके लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन जब मैनेजमेंट टीम बन जाती है तो वो स्टार्टिंग में हल्ला मचाना स्टार्ट कर देते हैं और बोलना स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट टीम क्या करती है, मीटिंग करती है और कॉफ़ी शॉफ़ी पीती है और फिर ये चले जाते हैं। लेकिन अच्छी कंपनी है जहाँ पर अवेयरनेस है, वहाँ पर ये है, वहाँ पर लोगों को ये पता होता है कि मैनेजमेंट टीम जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है, वो स्ट्रेटेजी बना रही है, वो ये देख रही है स्ट्रेटेजी कहाँ पर, स्ट्रेटेजी का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर हो रहा है। अब उसमें क्या होता है, दो टाइप की कमिटीज़ बनती हैं, एक कमिटी जो होती है स्ट्रेटेजिक कमिटी होती है और एक होती है स्टीयरिंग कमिटी। कई और बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं वहाँ स्ट्रेटेजिक कमिटी और स्टीयरिंग कमिटी होती है, वहाँ एक कमिटी स्ट्रेटेजी बना रही होती है प्योरली और एक कमिटी स्टीयर कर रही होती है उसे, यानी कि इम्प्लीमेंट करवा रही होती है, और नीचे ऑपरेशनल टीम होती है, यानी HODs अलग होते हैं, HODs और उसके नीचे का लेवल अलग होता है। HOD का काम है स्टीयरिंग कमिटी, उसको जो स्ट्रेटेजी दी गई है, स्ट्रेटेजी जो दी गई है उसको इम्प्लीमेंट करना। स्टीयरिंग कमिटी का काम है कि एक बार स्ट्रेटेजी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड कर दी और HODs को दे दी तो स्टीयरिंग कमिटी रोज देखेगी कि स्टीयर हो रहा है कि नहीं, बोट चल रही है कि नहीं चल रही, वहाँ जहाँ तक चलनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख देनी है और एग्जामिनेशन देते हुए ये चीज़ें ध्यान में देनी है। कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि ऐसी कमिटी क्यों बन रही है, ये तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नज़र आने लगती हैं। क्यों कॉस्ट इफेक्टिव नज़र आने लगती हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन नेचर जो है, जहाँ पर आपको ह्यूमन होगा वो ग्रीडी होता है, उसका एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, वो चाहता है जितना पैसा मैं मैक्सिमाइज कर सकूं उतना कर सकूं, तो वो इधर उधर तरीके ढूंढेगा, कन्विंस में ही पैसे बना लेगा, कहीं ना कहीं वो पैसे बनाने में लगा रहेगा, और वो बुरा भी नहीं है। अगर आपको उस पैसे को रोकना है तो आपके पास एक सेपरेट कमिटी होनी चाहिए जो उन सब चीज़ों को देखे, और एक सेग्रीगेशन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सेग्रीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ का एक ये एग्जाम्पल है कि मैनेजमेंट कमिटी और ऑपरेशनल कमेटी अलग होनी चाहिए। जब आप कोरियन कंपनी में जाओगे या जापनीज कंपनी में जाओगे उसमें ये काफ़ी होता है। जापनीज कंपनी में क्या होता है, जापान से 4-5 लाख लोग आ गए होते हैं और वो एक कमेटी बना के रख लेते हैं और कई बार वो एचओडी भी होते हैं। जब वो टीम कुछ चीज़ डिसाइड कर लेती है फिर कंपनी में वो सुनते सबकी हैं, लेकिन काम उनको उसी के अनुसार करना होता है, मतलब जो डिसाइड कर लेते हैं उसी के अनुसार काम करने लगता है। इसी तरीके का कोरियन कंपनी में होता है। कोरियन कंपनी में क्या होता है कि आप HOD होगा तो आपके साथ एक और आदमी लगा दिया जाता है,
वो स्टीयरिंग कमेटी का आदमी होता है, वो स्टीयर कर रहा होता है, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ने जो डिसीजंस ले लिए हैं, जो प्लान्स बना लिए हैं, उसको आगे कर रहा होता है। लेकिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अपने प्लान बनाए उससे पहले उस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को पता तो हो कि रिस्क क्या है, कंट्रोल्स क्या हैं, क्या मार्केट में चल रहा है, तो उसको, क्योंकि उसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, इसीलिए बैलेंस स्कोर कार्ड बनाया गया। तो अगर आपकी कंपनी में बैलेंस स्कोर कार्ड नहीं है तो ये समझ लीजिए आपका मैनेजमेंट सही नहीं है, आपका जो टॉप लोस मैनेजमेंट है वो सही नहीं है, उसके पास उतनी कॉम्पिटेंस नहीं है, उसके पास उतना विजन नहीं है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पास वो विजन, वो कॉम्पिटेंस होना बहुत जरूरी है। अब एक वर्ड यूज होता है स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट। स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट काफ़ी अनसमझा टर्म है, लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, उसको नेगेटिवली लेते हैं। स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट पॉजिटिव है, स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट होनी चाहिए मैनेजमेंट के पास। ओवरसाइट कभी कई बार इस तरह से ले लिया जाता है कि ओवरसाइट हो गई, यानी ये कोई चीज़ नहीं देखी या कोई चीज़ अच्छी तरीके से देखी। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट का मतलब ये है चीज़ अच्छी तरीके से देखी, यानी कंपनी के पास स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट किस चीज़ की स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट होनी चाहिए? उस चीज़ की जिसे मेजर नहीं किया जा सकता है। मैनेजमेंट का रूल है व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन, यानी कि आप मेजर करोगे किसी भी चीज़ को, किसी भी आदमी की परफॉर्मेंस को मेजर करोगे, वो चीज़ आदमी करेगा, वो कहेगा। आप मेजरमेंट के क्राइटेरिया बनाने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक का मतलब ही ऐसा है कि बहुत सी चीज़ें आप मेजर नहीं कर पाओगे, और उसको मेजर करने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं, और उसका एक तरीका है बैलेंस स्कोर कार्ड। तो कंपनी के अंदर स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट होनी चाहिए। और आपको कैसे पता है कि स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट है आपके पास मैनेजमेंट के पास? वो तभी पता चलेगा जब आपके पास, कंपनी के पास बैलेंस स्कोर कार्ड होगा, नहीं तो स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट गैप्स होंगे, यानी स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट में गैप होंगे। और जो मोस्ट कंपनी में होता है, मोस्ट इंडियन मैनेजमेंट में होता है, मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट में बंदा बैठा होगा, एक सिंगल बंदा होगा या दो बंदे होंगे, वो उनमें स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट गैप हो रहा होगा, वो अपनी सैलरी के बारे में सोच रहे होंगे और कुछ नहीं सोच रहे होंगे, क्योंकि उनको इस अनसर्टेन इन्वायरमेंट में अपनी नौकरी बचाना इम्पॉर्टेंट है। और कई बार क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि उनके पास कोई चारा भी नहीं होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही इस तरीके का होता है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा है तो सबसे पहले उसमें स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट होगी, स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट गैप्स को मेजर किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट गैप्स में दो टाइप के गैप्स हो सकते हैं, जिसको मेजर किया जा सकता है, नहीं मेजर किया जा सकता है, और उनके लिए बैलेंस स्कोर कार्ड का यूज़ किया जाता है। अब हमारी स्टडी जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस को समझने की कोशिश की। एंटरप्राइज गवर्नेंस जो है वो इवॉल्विंग टर्म है, वो अभी फ्रीज नहीं हुआ है, वो क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है, उसके वो एक चेंज होता हुआ साइंस है। और वो आया ही इसलिए क्योंकि लाइफ में चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कंपनीज़ के इन्वायरमेंट में चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो गवर्नेंस दो भागों में डिवाइड हुआ, एक हुआ कॉरपोरेट गवर्नेंस और एक है बिजनेस गवर्नेंस। अब फॉर एग्जांपल आपकी कार है और उस कार को चलाते हैं, कार को चलाने के लिए उसमें एक मूविंग पहिया होता है और एक बॉडी होती है। जो बॉडी होती है वो कॉरपोरेट गवर्नेंस है और जो पहिया है वो बिजनेस गवर्नेंस है। अब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस सही नहीं है तो कंपनी के फेल होने के चांसेस हैं, और बिजनेस गवर्नेंस नहीं है तो कंपनी के सक्सीड होने के चांसेस नहीं है। कॉरपोरेट गवर्नेंस एक तरफ से बिजनेस के फेलियर को रोकती है और बिजनेस गवर्नेंस बिजनेस को सक्सीड करने में हेल्प करती है। कॉरपोरेट गवर्नेंस जो होती है वो टेबल चेयर वाली गवर्नेंस है, और बिजनेस गवर्नेंस जो है सेल्स वाले बंदे होते हैं जो मार्केट में जाते हैं और पैसा लेकर आते हैं। बिजनेस गवर्नेंस स्टैटिक नहीं होता है, फास्ट मूविंग होता है, वहाँ जो डिसीजंस होते हैं वो फास्ट मूविंग होते हैं। जो कॉरपोरेट गवर्नेंस होते हैं वहाँ के डिसीजंस स्टैटिक होते हैं, कंप्लायंस है। जैसे किसी भी कंपनी में लॉज होते हैं, लॉज उसे मानने पड़ते हैं, उसके अगर स्ट्रेटेजिकली अगर कंपनी ने कोई कल्चर है अडॉप्ट किया है या उसने कोई आपका पॉलिसीज बनाई है, वो कॉरपोरेट गवर्नेंस का पार्ट होते हैं। तो अगर आप CA हो, अगर आप IT हो, अगर आप एडमिन हो, अगर आप HR हो, आप बैकएंड में हो, तो आप अपने बॉस के पास जाओगे तो कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात उनसे करोगे। अगर सेल्स वाला होगा तो वो बिजनेस गवर्नेंस की बात करेगा। बिजनेस गवर्नेंस वाला आदमी बिजनेस के पैसे लेकर आता है,
कॉरपोरेट गवर्नेंस का आदमी कॉरपोरेट को गवर्न करता है, लॉज को देखता है और वो देखता है सही तरीके से ऑडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखता है। तो ये दो चीज़ें, एक कन्फर्मेंस और एक परफॉर्मेंस। कन्फर्मेंस का मतलब ये है कि कन्फर्मेशन, आप लॉज के साथ कन्फर्म करते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिक्टेट्स के साथ कन्फर्म करते हो, उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाई है उसके साथ करते हो, और उसके लिए कंपनी के पास कुछ आर्म्स होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं फाइनेंस टीम, जिन्हें कह सकते हैं एचआर टीम, जिन्हें कह सकते हैं आपका एडमिन टीम, और जिसे कह सकते हैं आईटी टीम। परफॉर्मेंस में क्या होता है कि मार्केटिंग वाले बंदे होते हैं, सेल्स वाले बंदे होते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट वाले बंदे होते हैं, जो बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और परफॉर्मेंस वाले हाईली फ्लेक्सिबल बंदे होने चाहिए जो सिचुएशन के अनुसार चेंज हों। कन्फर्मेंस वाले उतने फ्लेक्सिबल नहीं होने चाहिए, उनके अपने नॉर्म्स होने चाहिए, उन नॉर्म्स में उन्हें टिका रहना चाहिए। क्योंकि अगर कार की बॉडी फ्लूइड हो गई, चलते चलते कार मालूम पड़ा, अगर उसकी बॉडी मुड़ गई या कुछ हो गई तो कार में एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन पहिया मूव करते रहना चाहिए। पहिया अगर मूव नहीं हुआ, फ्लेक्सिबल नहीं हुआ, दाएं बाएं घूमने लायक नहीं रहा, तो कार की हालत ख़राब हो जाएगी। अब स्ट्रेटेजी डिसाइड करती है कि आपकी कार नॉर्मल ऑल्टो कार है या जगुआर है। अगर आपको जगुआर बनानी है तो बिजनेस गवर्नेंस बहुत तेज होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर पहिया बड़ी तेज़ी से भागना चाहिए। लेकिन अगर मालूम पड़ा आपने ऑल्टो कार में जगुआर कार का इंजन लगा दिया, तो ऑल्टो कार की हालत ख़राब हो जाएगी। ऑल्टो कार इतनी तेज़ी से भागेगी कि वो स्ट्रेस सहन नहीं कर पाएगी और उखड़ के गिर जाएगी। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस कार की बॉडी है और बिजनेस गवर्नेंस कार के पहिए हैं, और पहियों को फास्ट मूव करना है और कॉरपोरेट गवर्नेंस को एक स्ट्रक्चर देना है, एक ठहराव देना है। पहले क्या होता था, मार्केट में ठहराव ज़्यादा होता था, तो बिजनेस गवर्नेंस भी स्टैटिक रहता था। आप एक कंपनी में कोई ड्रग सेल करते थे तो वो सालों साल आपका पता होता था, यहाँ यहाँ सेल करना है, ये डिस्ट्रीब्यूटर ये हैं, यहाँ एक पॉपुलेशन बढ़ी तो यहाँ पर एक और डिस्ट्रीब्यूटर लगा दिया जाए, यहाँ होलसेलर्स लगा दिए जाएँ या डिस्ट्रीब्यूटर्स लगा दिए जाएँ। लेकिन अब मार्केट में प्रोडक्ट ही चेंज हो रहा है, उसके कंज्यूमर्स को बेचने का तरीका ही चेंज हो रहा है। मालूम पड़ा पहले क्या होता था कि अब डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती थी, अब क्या है, फ्लिपकार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज को ही चेन ही को ख़त्म कर रहा है, या जो आपका विंडोज़ है वो डिस्ट्रीब्यूशन चेन धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। आप डाउनलोड कर दोगे, डायरेक्टली पैसा पे कर दोगे, ऑनलाइन पे पैसा पे कर दोगे नए विंडोज़ वगैरह का। तो कहने का मतलब ये है कि बिज़नेस गवर्नेंस बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है और कॉरपोरेट गवर्नेंस को उसी टर्म्स में देखना पड़ेगा। तो बिजनेस गवर्नेंस सक्सेस गारंटी करती है, कॉरपोरेट गवर्नेंस फेलियर प्रिवेंट करती है। दो चीज़ें ये समझ लेनी बहुत ज़रूरी है, और हमने इसे डिवाइड इसलिए किया क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके पास आज की मार्केट के लिए एक्सपीरियंस नहीं है, और कई बार उसे नॉलेज नहीं है, उसको समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। तो उसको समझने के लिए कुछ चीज़ें हमें कंपार्टमेंट्स में बांटनी पड़ेगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाने पड़ेंगे, ताकि जब समझ में नहीं आ रहा है तो उसको पता हो कि किस एरिया में समझ में नहीं आ रहा है, ताकि जब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने बैठे तो वो बोले कि ये चीज़ें तो स्ट्रांग हैं लेकिन इस एरिया में मेरे को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, मेरी नॉलेज इस एरिया में कम है। अब एक बड़ी अजीब बात है, कॉरपोरेट गवर्नेंस कन्फर्मेंस देती है, फेलियर को प्रिवेंट करती है, बिजनेस का पार्ट है, लेकिन एक्सटर्नली डायरेक्टेड है, एक्सटर्नल प्रोसेसेस हैं, जैसे लॉ है उसको मीट आउट करेगी, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको मीट आउट करेगी। परफॉर्मेंस इंटरनल प्रोसेसेस दिखती है, आपकी इंटरनल प्रोसेसेस सही होनी चाहिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो सही होना चाहिए, तभी सेल्स वाला बेच पाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट में जान नहीं है तो सेल्स वाला को खुद परेशानी होगी उसे बेचने के लिए। ये उल्टी बात है, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसको इस कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए। कॉरपोरेट गवर्नेंस ऐसा लगता है कि कंपनी के अंदर बैठा हुआ आदमी कॉरपोरेट गवर्नेंस कर रहा है, बैठा तो वो अंदर है लेकिन बाहर की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, लॉज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, ऑडिट कराने की कोशिश कर रहा है, जो कि ऑडिट की डिक्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, वो सर्विस टैक्स, सेल टैक्स या कंपनी के अंदर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसे दिया है।
वो कन्फर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है, कन्फर्मेंस करने की कोशिश कर रहा है। बिजनेस गवर्नेंस जो है वो सक्सेस गारंटी करता है, सेल्स करता है, लेकिन उसके लिए इंटरनल प्रोसेसेस मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। बड़ी अजीब चीज़ है, बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ लगेगी, लेकिन ये है। तो हम फिर से एक बार इसे समझ लेते हैं। एंटरप्राइज गवर्नेंस एक नया टर्म है, एंटरप्राइज गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एंटरप्राइज गवर्नेंस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट के प्रस्पेक्टिव में देखा जाता है। तो आप अपनी कंपनी में जाते हैं तो आप अपने वीपी, सीपी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीएफओ, सीईओ, इनको देखिए, क्या ये जो टॉप में जो आदमी हैं ये एंटरप्राइज गवर्नेंस सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या आपकी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या आपकी कंपनी में बिजनेस गवर्नेंस सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि एंटरप्राइज गवर्नेंस को आप दो भागों में बांटोगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर रोकेगा, बिजनेस गवर्नेंस के सक्सेस गारंटी करेगा, गाड़ी को दौड़ाएगा बिजनेस गवर्नेंस, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस उस गाड़ी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखेगा। अगर मालूम पड़ा गाड़ी में कहीं कोलिजन हो गया तो एयरबैग्स निकाल के रख देगा, आपको बचा के रखेगा, और इसी तरीके इससे इन दोनों ग्रुप को मिलकर एंटरप्राइज गवर्नेंस बनेगा। अब जो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आप देखिए आपकी कंपनी में कैसा टॉप मैनेजमेंट है। जो टॉप मैनेजमेंट है वो वहाँ पर मैनेजमेंट टीम अलग है और ऑपरेशन टीम अलग है कि नहीं है? अगर सेग्रीगेशन है तो या तो आपकी कंपनी छोटी है और बड़ी कंपनी है और उसमें सेग्रीगेशन नहीं है, तो इसका मतलब आपका कंपनी प्रोफेशनल कंपनी नहीं है, उसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, उसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं है। जो टॉप मोस्ट मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, उसका काम है स्ट्रेटेजिक, उसका काम है कॉफ़ी चाय पीना, उसका काम है कंपनी में बैठना, उसका काम है ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, उसका काम है स्ट्रेटेजी बनाना। और बड़ी कंपनी होगी तो ये भी चीज़ें स्प्लिट आउट हो जाएगी। स्ट्रेटेजी एक बनाएगा और स्टीयरिंग एक करेगा और काम तीसरा करेगा। स्टीयरिंग कमिटी स्टीयर करेगी, स्ट्रेटेजी वाला स्ट्रेटेजी बना रहा होगा, इतनी ज़्यादा स्ट्रेटेजी बना रहा होगा कि इतने ज़्यादा एरियाज होंगे, इतनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, इतनी ज़्यादा बाहर चेंजेस आ रहे होंगे कि उन्हें स्ट्रेटजी फॉर्म करने के लिए फीडबैक चाहिए होगा, मार्केट से फीडबैक, इंटरनल फीडबैक, और उसके बाद वो स्ट्रेटजी बना रहे होंगे। कोई चेंजेस आते हैं तो उन्हें स्ट्रेटजी इंस्टेंटली चेंज करनी पड़ेगी, और जिस मार्केट में जितना जल्दी इन्फ्लेक्शन, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है उसमें ये उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। जो आईटी की कंपनी है, अगर वो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के बारे में नहीं जानती है, इसका मतलब अच्छी कंपनी नहीं है। अगर आईटी की कंपनी है और वो आपका वहाँ टॉप मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट अलग नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो गवर्नेंस के बारे में नहीं जानती, इफेक्टिव गवर्नेंस उस कंपनी में नहीं होगा। इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए आपको गवर्नेंस टीम बनानी पड़ेगी। अब आईटी गवर्नेंस क्या है? आईटी गवर्नेंस जो है वो एंटरप्राइज गवर्नेंस का पार्ट है, सारी चीज़ें एंटरप्राइज गवर्नेंस की पार्ट है। एंटरप्राइज गवर्नेंस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सिक्योरिटी गवर्नेंस है, और सिक्योरिटी गवर्नेंस में आईटी गवर्नेंस है। यानी कि आईटी गवर्नेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर सिक्योरिटी गवर्नेंस है, तो सिक्योरिटी गवर्नेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है। तो अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि आईटी गवर्नेंस किसका पार्ट है, तो आपको बताया कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है। क्या आईटी गवर्नेंस सिक्योरिटी गवर्नेंस का पार्ट